आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे फरवरी 2019 के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। कुल मिलाकर हमने 25 प्रश्न इस वीडियो सेशन में लिए हुए हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इनके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हाल में ही एनसीसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। देखिए, यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप पहले कमेंट कर लें। हम इसके बाद देखेंगे कि आपकी तैयारी किस हद तक हुई है और किस लेवल पर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, और इसके बाद हर एक प्रश्न का सही जवाब हम आपको बता देंगे। तो इसका सही जवाब होगा राजीव चोपड़ा। राजीव चोपड़ा जी एनसीसी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल में ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता देश कौन सा बन गया है। तो सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता देश कौन सा बन गया है, इसका सही जवाब आप दें। देखिए, इसका सही जवाब है बी। बी विकल्प सही है। भारत ही वो देश है जो कि सबसे बड़ा दूसरा क्रूड स्टील निर्माता देश बन चुका है। बेहद खुशी की बात है। तीसरा प्रश्न है कि हाल में ही 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। तो 200 वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच है उनको खेलने वाली पहली महिला कौन सी बन गई हैं, तो ये हैं मिताली राज। सी विकल्प सही है। मिताली राज वो महिला क्रिकेटर हैं जो कि 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अब चौथे प्रश्न को लेते हैं कि हाल में ही किस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है। चार विकल्प हैं, मुंबई, मास्को, दुबई, दिल्ली। तो इसका सी विकल्प सही है। दुबई एयरपोर्ट सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट घोषित हुआ है दुनिया का। अब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल में ही किस राज्य ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है। तो किस राज्य ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तमिलनाडु वो राज्य है जिसने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार को जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल में ही किस देश ने फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता है। हाँ जी, पहला एशिया कप, फुटबॉल में पहला एशिया कप जीतने वाला पहला देश बन गया है कतर। कतर वो देश है जिसने फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता है। अब सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर कि हाल में ही सीबीआई के नए निदेशक किन्हें चुना गया है। तो सीबीआई के नए निदेशक चुने गए हैं, सी विकल्प सही है, ऋषि कुमार शुक्ला जी। ऋषि कुमार शुक्ला जी को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। अब बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। डॉल्फिन किस राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया है। जी हाँ, जलीय जानवर किस राज्य का घोषित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन ही है, तो किस राज्य ने इसे अपना जलीय जीव बना लिया है, यानी कि खुद के राज्य का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सॉरी यहाँ पे पंजाब होना चाहिए। तो पंजाब वो राज्य है जो कि डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल में ही विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया। तो हाल में ही विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है, इसका सही विकल्प होगा चौथा, 4 फरवरी। 4 फरवरी को ही हाल में ही अभी विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हाल में ही कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट किसने जारी किया। तो विशेष डाक टिकट जारी किए गए हैं मनोज सिन्हा जी द्वारा। इसका बी विकल्प सही होगा, मनोज सिन्हा। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला
सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? तो चार विकल्प है, मुंबई, गोरखपुर, फरीदाबाद, हरियाणा, और इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने वीडियो के थंबनेल में भी दिया है, हाल में ही जुआन गाइडो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल में ही विश्व विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल में ही विश्व विरासत केंद्र की स्थापना मायापुर में हुई है, तो ये मायापुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? नाटो में शामिल होने के लिए किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? चार विकल्प हैं, हंगरी, ऑस्ट्रिया, सूडान, मैसिडोनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैसिडोनिया। मैसिडोनिया वो ऐसा देश है जिसने नाटो में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर कि हाल में ही इंडिया साइज परियोजना की शुरुआत किसने की? बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है इंडिया साइज परियोजना, तो इसकी शुरुआत की है स्मृति जुबिन ईरानी ने, यानी कि स्मृति ईरानी जी ने इंडिया साइज परियोजना की शुरुआत की है, शुभारंभ किया है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, इसकी ओर बढ़ते हैं, आयुष के चौथे सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आयुष के चौथे सम्मेलन का उद्घाटन ये हुआ है नई दिल्ली में, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर कि हाल में ही नासा NASA नासा ने किस वर्ष को चौथा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? 2017, 2018, 2019, 2015। तो ये 2018 ऐसा वर्ष है जिसे चौथा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है नासा के द्वारा। अब 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अल्बर्ट फिनी जिनका हाल में ही निधन हुआ है वो कौन थे? लेखक थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे, अभिनेता थे? तो वो एक अभिनेता थे, डी विकल्प सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, हाल में ही VVIP कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग ने ही VVIP कार्यक्रम लॉन्च किया है। फिर 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 34वें स्थान पर। जी हां, 34वें स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स 2019 में भारत रहा है। 22वां प्रश्न है कि हाल में ही किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनेता हैं दीपा मेहता। दीपा मेहता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल में ही एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? जी हाँ, एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में। गुजरात में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट है, हाल में ही NTPC ने SBI के साथ एक समझौता किया है जो कि ऋण से संबंधित है, तो कितने ऋण का समझौता हुआ है ये प्रश्न है। कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए के ऋण का, 5000 करोड़, 9000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए के ऋण का समझौता हुआ है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी, 5000 करोड़ ऋण का समझौता किया है NTPC ने SBI के साथ। हमारा इस वीडियो सेशन का लास्ट